दर्शन करने आएंगे सबको महावीर मंदिर यानी हनुमान मंदिर की ओर से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। 10,000-5,000 जितने लोग होंगे सबको ये भोजन कराया जाएगा। जो लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे उन्हें प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कह रहे थे किशोर कुणाल। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बिहार का महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जी हां, आपको बता दें अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वहां राम मंदिर के निर्माण के लिए बिहार की राजधानी पटना स्थित महावीर न्यास समिति हर साल 2 करोड़ रुपए देगी, अर्थात 5 सालों में महावीर मंदिर न्यास समिति ने 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावे समिति अयोध्या के आम्बा मंदिर में राम रसोई शुरू करेगी जिसमें श्रद्धालुओं को मुक्त भोजन दिया जाएगा, जिसकी जानकारी न्यास समिति के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने दी है। यहां बता दें कि पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर को पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की ही देन कहा जाता है। यह बिहार के प्रख्यात मंदिर में से एक है। आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या पर एक किताब भी लिखी है। उनकी यह किताब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान चर्चा में रही। न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल इस समय अयोध्या में ही हैं। अयोध्या में राम जन्मस्थल के बगल में स्थित आम्बा मंदिर में बाल रूप राम की स्थापना के लिए गए हुए हैं। वे आम्बा मंदिर के भी सचिव हैं। उनके मुताबिक यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है। बता दें कि अयोध्या विवाद को लेकर वे भी पक्षकारों में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर 40 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर 6 दस्तावेजों के आधार पर अयोध्या नक्शा भी उपलब्ध कराया गया था। बियॉन्ड को भी विपक्षी पक्षकार एविडेंस में भी वकील ने इससे संबंधित नक्शा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि उसने तमाम प्रमाणों के आधार पर रामलला के विराजमान होने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। आचार्य ने कहा कि अयोध्या में आम्बा मंदिर में राम रसोई शुरू करेंगे जिससे श्रद्धालुओं को मुक्त भोजन दिया जाएगा। इसके लिए 5,000 वर्ग फीट का परिसर बनाया गया है जो कि अयोध्या में स्थित सामान्य होते हुए भी काम शुरू कर देगा। शुक्रवार को आम्बा मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, जिसके बाद यह फैसला आया है। आचार्य कुणाल ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए वे 1999 से लगे थे। इसके लिए देश के विभिन्न पुस्तकालय और सरकारी कार्यालयों में साक्ष्य एकत्रित किए। साक्ष्य के आधार पर अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक की रचना की। अयोध्या में स्पष्ट है कि अयोध्या में विवादित स्थल के मध्य गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके लिए सीता रसोई का प्रमाण दिया गया है। इसके अलावा जन्म स्थल से संबंधित एक नक्शा भी तैयार किया गया जिसे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा पटना में कैंसर अस्पताल का भी संचालन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।